इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.108 × 10⁻²⁻²⁸ एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स क्यू इज इक्वल्स टू, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देन चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अब हमें इसको फाइंड करना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मास एंड चार्ज। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 × 10⁻²³। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है मास ऑफ वन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.108 × 10⁻²⁸ × 6.022 × 10⁻²³। तो सबसे पहले हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है, जो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 9.108 × 6.022 इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 54.85। अब इनटू, अब इसको बेस सेम है, 10 10 और पावर्स जो होंगी वो प्लस हो जाएंगी, तो −28 + 23 आ गया −5। तो यहाँ पे हमने जो ये नंबर है, ये पॉइंट है, इसको इस तरफ शिफ्ट करना होता है। 1 डिजिट के बाद जब हम पॉइंट लगाते हैं उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो जब हम इसको इस साइड को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से एक प्लस हो जाएगा, 1 प्लस होगा जब माइनस में, तो ये −4 आ जाएगा। सो दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5.485 × 10⁻⁴ ग्राम। सेकेंड हमने फाइंड करना है चार्ज, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁹ × 6.022 × 10⁻²³। अगेन हम क्या करेंगे, जो 1.6 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 9.6352 × 10⁻², ये फिर से 10 बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी प्लस, तो यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो आंसर इज 9, अगर हम और ज़्यादा राउंड ऑफ कर दें, 9.63 × 10⁴ कूलम, चार्ज की यूनिट हो गई हमारे पास कूलम। सो दिस इज द चार्ज एंड दिस वन इज द मास। थैंक यू।